नागपुर ग्रामीण में कनान शहर एवं थाना हमेशा से चर्चे में रहने वाला क्षेत्र है। सूत्र बताते हैं कि ग्रामीण के आसपास के इलाके से ज्यादा कनान थाना अंतर्गत अवैध कामों को बढ़ावा मिल रहा है। इस क्षेत्र में रेती कोयला जैसे कई अवैध काम जोरों से शुरू है। इस अवैध कामों की वजह से कई बार यह क्षेत्र तनावपूर्ण बन जाता है। कई बार अलग अलग गुटों के बीच झगड़े तक हो जाते हैं। हद तो तब हो गई जब राष्ट्रीय महामार्ग पर स्थित टोल प्लाजा के समीप खुलेआम अवैध कोयले का काम जोरों से शुरू है। सिर्फ यही नहीं तो नीलज खंडाला की तरफ भी जाने वाले रास्ते में यह अवैध काम फैला हुआ है। हैरानी वाली बात तो यह है कि इन कामों पर किसी का ध्यान नहीं है। ये ध्यान न होना अपने आप में पुलिस और वेकुले के कामों पर भी सवाल उत्पन्न करता है, क्योंकि यहाँ दिन रात बिना किसी खोप के कोयले की कालाबाजारी जोरों से शुरू है। इस क्षेत्र में जोर लगा है कि सबसे बड़ा कोयला किंग कौन है। बताया जाता है कि जो जितना ज्यादा दिन तक कोयले में अवैध काम को अंजाम देगा वो सबसे बड़ा कोयला किंग कहलाएगा। अंतर ये जानना बेहद जरूरी है कि जो भी कोयले का काम कर रहे हैं वे कौन हैं और उनके ऊपर अब तक कितने आपराधिक मामले दर्ज है। साथ ही पुलिस अधीक्षक का इस मामले में क्या कहना है, ऐसे अनेक सवालों का उत्तर अगले अंक में हम लेकर आएंगे।